तो क्या है वो तीन क्वालिटीज़ अनयूजअल क्रिएटिवनेस क्रिएटिविटी बोल सकते हैं हम कि उसके अंदर अनयूजुल होनी चाहिए मतलब कि जब सबके अंदर क्रिएटिविटी है सेम नहीं कुछ डिफरेंट उसके अंदर होना चाहिए लाइक like, उसके पास डिफरेंट थाट हो किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की या कोई वो नया प्रोडक्ट ऐसा ले आ पाए जो सब जो प्रोडक्ट है मार्केट में उससे अलग हो इसीलिए ये है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक अनयूजल क्रिएटिवनेस जैसे कि मैं बोलूं कि जो हम लोग अगर धूप में जाते हैं तो हमारी मोबाइल की जो भी अगर हम ब्राइटनेस फुल पर भी कर देते हैं तो हमें मोबाइल का स्क्रीन अच्छे से विजिबल नहीं होता है तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करेगा इसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएगा और ऐसा मोबाइल की स्क्रीन को प्रेजेंट करेगा कि हम धूप में भी अच्छे से अपने स्क्रीन को देख पाएँ और कुछ भी अगर मैसेजेस हैं तो पढ़ पाएँ तो ये होती है एक अलग तरह की क्रिएटिवनेस सेकेंड है प्रोपेंसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही मिले आपको बिज़नेस के स्टार्टिंग में लॉसेस भी मिल सकते हैं तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें और लॉसेस भी बेयर कर सकें तो आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए इसीलिए रिस्क ना लेने के डर से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर अगर बनना भी चाहते हैं तो बन नहीं पाते हैं तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग नीड होनी चाहिए अचीवमेंट की कि मुझे कुछ अचीव करना है अपने बिजनेस को हाई लेवल पर पहुंचाना है अगर आप चाहते हो कि जैसा बिज़नेस चल रहा है वैसे चलने दो तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है और हाई अचीवमेंट उसका मोटिव रहता है होप आपको जो एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल जो उसे बनाती हैं क्वालिटीज़ आपको समझ में आई होगी एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कॉम सेक्शन टिल देन बाय हैव अ नाइस डे हेड